अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं और डिस्कस करने जा रही हूँ एम्फीबियंस इन पर्ल, यानी कि एक्सपोजर टू रिस्क ऑफ इंजर फॉर एम्फीबियंस, विच इज नॉट ओनली एक्सपोजर टू रिस्क ऑफ इंजर बट आल्सो व्हाई इट इज डिस्ट्रॉयड, व्हाई इट इज एक्सटेंड एट एन अलार्मिंग रेट। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस कर रहे हैं एम्फीबियंस में। अब ग्लोबल एम्फीबियन असिस्मेंट ने ये अंदाज़ा लगाया कि 1/3 यानी कि तकरीबन 6,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको ये ख़तरा लाहक है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लेकिन 120 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि सफर्ड है कि वो एक्सटेंट हो जाएंगी इन द लास्ट 25 years अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ मिलर हार्ले जोलॉजी। अब इस सबसे एक जो रीज़न इसकी ये है कि जो एम्फीबियंस है ना वो सेंसिटिव हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से। ठीक है, यही वजह है कि ये जो है ना दो तरफा यानी कि ड्यूल लाइफ जिंदगी गुजारते हैं, पानी में भी और वाटर में भी। ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से, और साथ साथ ये कि इनके पास थीम परमीएबल स्किन मौजूद है। अब थिन परमीएबल स्किन के ज़रिए जो है ना आसानी से पानी से या फिर एयर बॉर्न जो पोल्यूटेंट है इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना इनके जो चांसेस एग्जिस्टेंस के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हार्मफुल मटीरियल है। लोकल इवेंट्स की बात करें कि वो कौन कौन से मुकामी ऐसे इवेंट्स हैं जो कि एम्फीबियंस की स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को कम कर रही हैं। क्लियर कटिंग फॉरेस्ट, जब जंगल जो है ना जंगल में से जो दरख्त है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कट किया जाएगा तो आसानी से जो सनलाइट की जो रेडिएशंस है वो मॉइस्ट प्लेस के ऊपर फॉल करेगी, देन जो है मॉइस्ट जो प्लेस है वो कन्वर्ट हो जाएगी ड्राई प्लेस में। यू नो वेरी वेल कि एम्फीबियन की स्पीशीज के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जब कटिंग हो जाएगी फॉरेस्ट की तो ऑटोमेटिकली जो है ना ड्राई प्लेस होना शुरू हो जाएगी। जब ड्राई प्लेस होगी तो इनकी एग्जिस्टेंस के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ना सिर्फ ये कि लोकल इवेंट्स में क्लियरिंग कटिंग फॉरेस्ट किरदार अदा करता है बल्कि माइनिंग ड्रिलिंग इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी जो है ना एम्फीबियन की स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को ये चांसेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि इनकी वजह से क्या हो रही है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी दो ऐसी मेजर वजूहात हैं टू कल्प्रिट्स की जो कि एम्फीबियन की जो स्पीशीज है ना उसको जिंदा रहने के लिए रोक रही है। ठीक है, सबसे पहली जो रीजन है ना, वन इज द एम्फीबियन डिक्लाइन, दैट इज काइट्रिडियम काइट्रिट फंगस। क्या है, काइट्रेट फंगस, जिसको हम लोग बेट्राको काइट्रियम डेंड्रोबाइटिस भी कहते हैं। अब ये जो काइट्राइडोमाइसिस है ना वो जो है ना इम्प्लिकेटेड है लोकल एरियाज में, ना सिर्फ ये कि ये मुकामी एरिया में रहती है बल्कि ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना अमरीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और स्पेन के अंदर एम्फीबियन की स्पीशीज को डाई करने का सबब पैदा कर रही है। ठीक है, यानी कि उनको ख़त्म करने का ये जो काइट्रोडोमाइसिस जो है ना सबब बन रही है। अच्छा, अब ये जो डेथ की जो रीज़न है ना वो क्या है, जो डेथ की रीज़न है ना वो फर्मली इस्टेब्लिश हैज नॉट बीन फर्मली इस्टेब्लिश। इसकी हकीकत यह है कि जब फंगस का जो इफेक्ट है ना वो स्किन के ऊपर होता है, जब फंगस का इफेक्ट स्किन के ऊपर होता है तो उसके नतीजे में जो स्किन है वो रफनिंग हो जाती है। क्या हो जाता है, रफ हो जाती है, ना सिर्फ रफ बल्कि अल्सरेशन भी हो जाती है, जो सजेस्ट करते हैं कि जो इसकी मरने की जो वजह है ना वो रिलेटेड है स्किन के वाटर रेगुलेटिंग फंक्शन और रिस्पिरेशन से ताल्लुक रखती है। जो फंगस ना सिर्फ ये है कि वो डेथ का सबब बनती है बल्कि इससे टॉक्सिन को भी प्रोड्यूस करना होता है। अब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिसर्चर्स जो है ना वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि इस फंगस का जो ओरिजिन है ना वो साउथ अफ्रीका है। कौन ओरिजिन है इसका, साउथ अफ्रीका है, और इसको इंट्रोड्यूस भी करवाया गया है
फ्रॉग की उन जगह के ऊपर, इनके अदर सीजन के ऊपर जहाँ पर फ्रॉग की स्पीशीज मौजूद है, लेकिन ये नॉट ससेप्टिबल टू दी काइट्रोडायमियोसिस, लेकिन ये ससेप्टिबल नहीं है, मुश्तबा नहीं रखती काइट्राइडोमाइसिस से, ठीक है। जबकि अफ्रीकन क्लाड फ्रॉग, कौन, अफ्रीका क्लाड फ्रॉग, इनको हम लोग कहते हैं ज़ाइलोबस लेवियस, जो कि इम्प्लीकेटेड है एज अ फ्रॉग हर्बोस के तौर पर फंगस इन द साउथ अफ्रीका एंड हैज बीन ट्रांसपोर्टेड किया गया पूरी दुनिया में फॉर द यूज इन रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है। और इसको जो है ना एक्वेरियम एनिमल के तौर पर भी रखा गया, क्लियर। सबसे पहले कौन सी वजह बन रही है एम्फीबियन की स्पीशीज को एक्सटेंड करने की, वो है काइट्रेट फंगस। अगर हम दूसरी बात करें तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो भी एम्फीबियन की जो स्पीशीज है ना उसको एक्सटेंड कर रही है, लेकिन इसका जो तरीका कार है ना मुकम्मल तौर पर अभी इसका क्लियर नहीं है। कुछ स्टडीज इस बात की निशानदेही करती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिजियोलॉजी में तब्दीली आती है। किसमें तब्दीली आती है? फिजियोलॉजी में तब्दीली आती है। फिजियोलॉजी में तब्दीली उस वक्त आती है जब माइल्ड विंटर्स, यानी कि हल्की सर्दी हो, सर्दी कम हो, माइल्ड विंटर में फिजियोलॉजी में तब्दीली आती है। नेक्स्ट है जी रेनफॉल में तब्दीली आती है। किसमें तब्दीली आती है? रेनफॉल में। जब रेनफॉल में तब्दीली आते हैं तो इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो है ना वो फर्क पैदा होता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या हो जाता है? इंटरफेरेंस पैदा हो जाती है, वो अच्छे तरीके से रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं हो पाते ड्यू टू दी चेंजेस इन दी रेन फॉल। क्लियर है ये चीज? किसमें इंटरफेरेंस आती है? डेवलपमेंटल प्रोसेस में और रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्प्रेड काइट्राइडोमाइसिस। जब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है तो क्या हो जाता है, ये जो फंगस है ना काइट्रेट फंगस, उसके फैलने के जो चांसेस है ना वो भी ज्यादा हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब इंक्रीज टेम्परेचर और ड्राई डेज ने भी बहुत ही जो है ना किरदार अदा किया है कोस्टा रिका के माउंटेन फॉरेस्ट में, कि इसकी वजह से भी जो है ना वो गोल्डन टोड की जो स्पीशीज है ना वो एक्सटिंक्ट हो रही है। किसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है? गोल्डन टोड की। अगर हम लोग दोबारा रिपीट कर रही हूँ किस तरह से गोल्डन टोड की जो स्पीशीज है ना वो एक्सटेंशन का बाइस बनी है, तो इसकी रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। न सिर्फ ये कि टेम्परेचर बढ़ रहा है बल्कि कोस्टा रिका के फॉरेस्ट माउंटेन में ड्राई डेज की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है। जब टेम्परेचर और ड्राई डेज की तादाद बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना गोल्डन टोड के एक्सटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है ये चीज के किस वजह से जो है वो एक्सटेंशन हो रही है गोल्डन टोड की? टेम्परेचर बढ़ रहा है और ड्राई डेज बढ़ रही है। ना सिर्फ ये कि काइट्रेट फंगस ग्लोबल वार्मिंग, बल्कि इसके साथ साथ यूवी रेडिएशन, कौन सी? यूवी रेडिएशन, जिसकी लेंथ है 280 से 320 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी जो है एम्फीबियन की स्पीशीज की एक्सटेंशन का बायस बन रहे हैं। और साथ साथ एसिड डेपोजिशन, कौन? एसिड डेपोजिशन। अगर पीएच 5 हो या लेस देन 5 हो तो वो भी क्या करती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को किल कर देती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को रोक देती है। क्लियर है ये चीज? जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ही रुक जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एडल्ट फॉर्म में जो स्पीशीज है वो नहीं पहुंचता है। क्लियर है ये चीज? किस तरह से जो है ना वो एम्फीबियन में एक्सटेंशन जो है ना वो ज्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से एम्फीबियन की स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं, इनकी कंजर्वेशन ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज। अगर अर्जेंट कंजर्वेशन की बात करें ना, कि हम लोग जो है ना बहुत तेजी से एम्फीबियन स्पीशीज को जो है ना वो सेव कर लें, तो उसमें मैंने 3-4 जो है ना आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो ये है कि डाइवर्स कंजर्वेशन करें। क्या करें? डाइवर्स कंजर्वेशन करें, जिसके नतीजे में जो है ना वो हम लोग एम्फीबियन की स्पीशीज को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं।
डाइवर्स कंजर्वेशन में कौन कौन सी एफर्ट्स आ जाएंगी? सबसे पहले है जी पॉपुलेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स। क्या? पॉपुलेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम, यानी कि अवाम के अंदर ऐसा प्रोग्राम ऐसा किया जाए जिससे एम्फीबियन की स्पीशीज यानी कि एम्फीबियन की पॉपुलेशन को के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। जब नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसकी लोगों को अवेयरनेस आएगी और इनकी एक्सटिंक्शन के चांसेस जो है ना वो कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि कानून भी लागू होने चाहिए। लॉज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट एम्फीबियंस फ्रॉम अनलाइसेंस्ड कलेक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। के कानून ऐसे लागू होने चाहिए कि जिसमें जो अनलाइसेंस्ड एंड कलेक्टिंग है ना उसको रोका जाए और ट्रांसपोर्ट को रोका जाए कि एम्फीबियन की स्पीशीज को ट्रांसपोर्ट ना किया जाए। वेटलैंड कंजर्वेशन, कैसी कंजर्वेशन? वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड अगर कंजर्वेशन होगी तो उससे भी जो है ना जो हैबिटेट है ना उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि इनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है फॉर द एग्जिस्टेंस। तो जब लैंड की कंजर्वेशन होगी तो ऑटोमेटिकली जो इनके हैबिटेट का वो बढ़ेगा, जब हैबिटेट बढ़ेगा तो इनके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। वेट लैंड कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट हैबिटेट दैट एम्फीबियन रिक्वायर। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें ना जो कि रिवर्स है क्लाइमेट चेंज का, तो वो अर्जेंटली नीडेड है। क्या है? लॉज टू रिवर्स क्लाइमेट चेंज आर अर्जेंटली नीडेड, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें ना तो उसमें कंजर्वेशन ग्रुप्स बनाए जाएं। क्या बनाए जाएं? कंजर्वेशन ग्रुप्स बनाए जाएं जो कि राइजिंग करें मनी को, ताकि जो है ना कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ना उसको शुरू किया जाए। जब ये कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ना सिर्फ ये बल्कि जूज वगैरह भी सारी दुनिया में, जो कि इस बात में मदद देंगी कि प्रिजर्व हो सके हंड्रेड्स ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्शन, जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा लहा के उन तमाम स्पीशीज को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए विद द हेल्प ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड जूज। अच्छा जी, अब ये जो फ्लाइट ऑफ एम्फीबियंस है ना वो इस बात की निशानदेही करती है कि बियॉन्ड दिस ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, डेट गो बियॉन्ड दिस वन ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब ये कि एम्फीबियंस जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव है एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से, तो एम्फीबियंस जो है वो जबरदस्त किस्म का इको सिस्टम इंडिकेटर भी है। क्या है एम्फीबियंस? एक्सीलेंट क्या है? इकोसिस्टम इंडिकेटर्स, यानी कि ये वार्निंग देता है, वार्निंग अस ऑफ प्रॉब्लम्स दैट थ्रेटेंड ऑल स्पीशीज। ये वार्निंग प्रोवाइड करता है जो कि तमाम स्पीशीज को खतरा लाहक होता है कि वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। क्लियरली ये चीज़ अगर मैं शॉर्ट टर्म में इसको बताऊँ, लोकल इवेंट्स दो मेजर थे कि कौन कौन सी वजूहत है उसमें, काइटिन फंगस, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसके साथ साथ यूवी रेडिएशन और एसिड डेपोजिशन भी है इसकी एक्सटेंशन का जो है ना, यानी कि इसके पर्ल एम्फीबियंस में किरदार अदा करते हैं। अब हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं एम्फीबियंस को, तो उसके लिए मैंने आपको चार तकरीबन जो है ना वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।